हम तो हर सुबह रोज हर सुबह एक नई उम्मीद लेके आते हैं कि नहीं अच्छा होगा, लेकिन घर लौटते हैं आंसुओं के साथ, निराशा होके। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से अच्छा फैसला आएगा, हमारे हक में आएगा, मुझे विश्वास है। सेंटर ने बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि सबको एक साथ अगर फांसी नहीं हो पा रही है तो अलग अलग हो सकती है, अब उसके बारे में क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि जब उसको कोई बैन नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो जिस तरह से एक का खत्म हो गया, एक का करो, दूसरा का खत्म हो गया, दूसरा, क्योंकि ये कानून को जब उनका वकील ही नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उसका सजा मैं क्यों भुगतूं? सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद भी पटियाला हाउस कोर्ट ने इनकार कर दिया, डेट वारंट नहीं जारी किया, सिर्फ इसलिए कि एक एपी सिंह ने एक मुजरिम के पवन के पिता को कोर्ट में खड़ा करा दिया हाथ जोड़ के कि नहीं हमें वकील चाहिए। एंड मौके पे उस दिन आके वो कह रहा है कि हम उसका केस नहीं लड़ेंगे, और उसकी बात मान ली, कोर्ट ने मान लिया और डेट वारंट जारी नहीं किया। हमने भी हाथ जोड़ के कहा कि मैं 7 साल से संघर्ष कर रही हूँ, मेरा भी कुछ अधिकार है, लेकिन कल मेरा पटियाला हाउस कोर्ट में मन बहुत दुखी हुआ और विश्वास डगमगा सा गया कि हर हमको रूल हर बार दिखाया जाता है, उनके राइट दिखाए जाते हैं, हमारा भी तो कुछ राइट बनता है। हम 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं, 8वां साल में चल रहे हैं, फिर भी उनको उनका ही अधिकार हमारे सामने आता है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ही कोई नया गाइडलाइन निकाले, कोई नया डेट वारंट निकाले और उनको जल्दी से फांसी।